start. तो कोवेलेंट बॉन्डिंग में प्रॉपर्टीज हम देख रहे थे, और प्रॉपर्टी में रेजोनेंस प्रॉपर्टी आपने लास्ट देखा। अब एक रह गया था लुइस एसिड, बेस प्रॉपर्टी। तो जरा देखें क्या होता है ये। लुइस एसिड सबसे पहले समझते हैं, लुइस एसिड। लुइस एसिड हम उसे कहते हैं जिसमें सेंट्रल एटम पे वन लोन पेयर की डेफिशिएंसी हो, कम से कम वन लोन पेयर की डेफिशिएंसी हो। लिखते हैं पहले एक लाइन, मॉलिक्यूल और आयन विच हैज deficiency of at least just one second. डेफिशिएंसी ऑफ एट लीस्ट वन लोन पेयर, डेफिशिएंसी ऑफ एट लीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, BCl3 बोरन ग्रुप 13 में है, तो उसके वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन हैलोजन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है क्योंकि उसके पास 7 होता है। तो इस तरह से बोरन के वैलेंस सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो पाए, 3 अपने 3 शेयर कर लिए, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हुआ ना बच्चे। 6 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल, 6 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल। तो ऑक्टेट से 2 कम हुआ ना, तो हम कहते हैं कि यहां पे आपको बताया था हाइपर एंड हाइपोवैलेंट, या हाइपोवैलेंट कंपाउंड है, हैज डेफिशिएंसी ऑफ वन लोन पेयर, है ना, और इसलिए ये एक लुइस एसिड है। तो अगर BCl3 लुइस एसिड है तो BF3 भी लुइस एसिड होगा, क्योंकि इसमें भी वही सिचुएशन होगा। बोरन पे तो कोई चेंज आएगा नहीं, बोरन पे तो वही 3 बॉन्ड होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होगा। BBr3 भी लुइस एसिड होगा, Bi3 भी लुइस एसिड होगा। हेलोजन को हम X से डिनोट करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि BX3 आर ऑल लुइस एसिड, चाहे वो BCl3 हो, BBr3 हो, Bi3 हो, सबके पास एक एक लोन पेयर की कमी होगी। समझ गए सभी लोग? अब जरा
एक और एग्जांपल लो, बेरिलियम क्लोराइड का BeCl2। अब देखो बेरिलियम है सेकेंड ग्रुप में, मैग्नीशियम वाले ग्रुप में, तो बेरिलियम के वैलेंस सेल में टू इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम के वैलेंस सेल में टू इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन के साथ एक एक शेयर करेगा तो क्लोरीन का तो ऑक्टेट हो जाएगा पूरा, लेकिन बेरिलियम का नहीं हो पाएगा। बेरिलियम पे टोटल फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही हो पाया, तो इसके पास एक नहीं दो दो लोन पेयर की डेफिशिएंसी है या नहीं? यहाँ भी डेफिशिएंसी ऑफ टू लोन पेयर है, एक ऊपर एक नीचे, और इसलिए ये भी एक लेविस एसिड होगा। अगर ये लेविस एसिड है तो BeF2 भी लेविस एसिड होगा, BeBr2 भी होगा, BeI2 भी होगा। तो आप बताओ मुझे AlCl3 लेविस एसिड होगा कि नहीं? एल्युमिनियम क्लोराइड लेविस एसिड होगा कि नहीं, ये बताओ मुझे। नहीं, बिल्कुल होगा। एल्युमिनियम भी तो बोरन वाले ग्रुप में है, ऊपर बोरन होता फिर एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये भी तो बोरन वाले ग्रुप में है, तो इसके भी वैलेंस सेल में तीन इलेक्ट्रॉन होंगे और एक एक शेयर हो जाएंगे क्लोरीन के साथ, तो यहाँ भी तो तीन ही इलेक्ट्रॉन पेयर बन पाया, छह ही बन पाया एल्युमिनियम के वैलेंस सेल में, और इसलिए ये भी एक लुइस एसिड है। सो इट इज अ लुइस एसिड, क्योंकि यहां पे डेफिशिएंसी ऑफ लोन पेयर है या नहीं? तो सबसे पहले तो ये सब है लुइस एसिड। अब इसमें एक बड़ा ही टिपिकल सा कॉन्सेप्ट है, स्ट्रेंथ ऑफ लुइस एसिड, कौन स्ट्रांग होगा कौन वीक होगा। सो स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ लुइस एसिड देखेंगे। Strength of Lewis acid, that is very important to understand. Lewis acid which has deficiency of lone pair, so greater the deficiency stronger will be the Lewis acid, jitna jyada deficiency hoga utna strong Lewis acid hoga. So strength of a Lewis acid depends on its ability, depends on its ability to accept lone pair, which in turn depends on depends on electron deficiency. Electron deficiency ज़्यादा होगा तो इसके electron accept करने की ability ज़्यादा होगी और Lewis acid strength ज़्यादा होगी। अब इसमें बोरन हैलाइड की लेविस एसिड स्ट्रेंथ का कंपैरिजन हमें सीखना है।
रिलेटिव लुइस एसिड स्ट्रेंथ ऑफ BX3 बोरन हैलाइड। अब इसमें समझने की जरा कोशिश करेंगे। अगर हम लेते हैं बोरन फ्लोराइड तो ये है बोरन फ्लोराइड, और अगर हम बोरन क्लोराइड लेते हैं तो शेप तो इसका भी वही होगा, ये है बोरन क्लोराइड। और बोरन पे है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका ज्यादा है, फ्लोरीन का या क्लोरीन का? फ्लोरीन का। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ क्लोरीन, ये भी हम सबको मालूम है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसे डिफाइन होता है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज द एबिलिटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज द एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है तो क्या करेगा, फ्लोरीन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच के रखेगा, और अगर फ्लोरीन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच के रखेगा तो बोरन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी और बढ़ जाएगी, बोरन से दूर लेके जाएगा इलेक्ट्रॉन। जबकि क्लोरीन के केस में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्लोरीन का उतना नहीं है जितना फ्लोरीन का है, तो खींचेगा तो क्लोरीन लेकिन उतना नहीं, तो क्लोरीन बोरन को उतना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं बनाएगा। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन क्लोरीन, अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ ग्रेटर फोर्स अवे फ्रॉम बोरन मेक्स बोरन अवे फ्रॉम बोरन मेक्स बोरन मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसके आधार पे BF3 ए स्ट्रॉन्गर लुइस एसिड होना चाहिए, देयरफोर ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी BF3 शुड बी स्ट्रॉन्गर लुइस एसिड देन BCl3। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के आधार पे ये होना चाहिए, हकीकत बिल्कुल इसके उल्टा है, बट एक्चुअली BF3 इज ए वीकर लुइस एसिड देन BCl3। अब इसको समझना है तो इसके अंदर कई क्वेश्चन हैं। ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बेसिस पे BF3 को स्ट्रॉन्गर लुइस एसिड होना चाहिए था, बट हकीकत कुछ और है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के अलावा कोई और भी फैक्टर होगा,
अब देखो वो फैक्टर क्या है, BF3 एक ट्रायंगुलर प्लेनर मॉलिक्यूल है, क्योंकि बोरन पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, 3 सिग्मा बॉन्ड, ट्रायंगुलर प्लेनर sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ध्यान से देखना, बोरन 1s2, 2s2, 2p1 होता है, लेकिन ये ग्राउंड स्टेट में, तो 3 फ्लोरिन के साथ बॉन्डिंग के लिए इसको 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। उसके लिए पहले होगा एक्साइटेशन, और ये एक्साइटेड स्टेट में 1s2, 2s1 हो जाएगा, 2s1 एंड अब इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाता है, और ये तीनों वैलेंस शेल के वो तीनों ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन है, ये पहले हाइब्रिडाइज होके sp2 हाइब्रिडाइजेशन कर लेता है। मान लो इसमें s, px एंड py ऑर्बिटल गया है, यानी कि ये px है और ये py है, तो इससे जो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे बच्चे, वो xy प्लेन में होंगे, क्योंकि px और py ऑर्बिटल यूज हुआ है, xy प्लेन में होंगे। लेकिन एक p ऑर्बिटल खाली रह जाएगा, कौन, pz, और pz ऑर्बिटल xy के परपेंडिकुलर प्लेन में होगा, यानी कि यहां पे एक वेकेंट p ऑर्बिटल होगा ट्रायंगल के परपेंडिकुलर प्लेन में, ये pz वाला होगा ना, अरे होगा कि नहीं। और हेलोजन के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, एक चला गया शेयरिंग में, 6 इलेक्ट्रॉन अभी भी हेलोजन के पास पड़ा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ 3 लोन पेयर, और उन लोन पेयर को हम इस तरह से दिखाते हैं, वो 3p ऑर्बिटल में होंगे, सॉरी 2p ऑर्बिटल में होंगे और 1s ऑर्बिटल में होंगे, एक को केवल दिखाया जा रहा है यहाँ पे ऐसे, बाकी दो को ऐसे दिखा दो, क्योंकि आपको पता है कि हेलोजन, अगर फ्लोरीन की बात करें तो ये 2s2 2p5 है, 2s2 2p5, ये तो चला गया बॉन्ड बनाने में, ये 3 लोन पेयर रह जाते हैं। ये है सिचुएशन। अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो ये 2p ऑर्बिटल है, और बोरन की बात करें तो बोरन का भी जो खाली ऑर्बिटल यहां दिखाया गया है वो भी 2p है। अब देखो बोरन पे है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी और फ्लोरीन के पास है लोन पेयर, तो फ्लोरीन को दया आ जाती है, और फ्लोरीन क्या करता है, फ्लोरीन क्या करेगा, अपना एक लोन पेयर शेयर कर लेगा बोरन के साथ, समझा क्या। और ये जो बना, इसको पी पाई बैक बॉन्डिंग कहते हैं, बैक बॉन्डिंग जिसमें रिवर्स, जिसमें सेंट्रल एटम को मिलता है लोन पेयर, न कि सेंट्रल एटम अपना शेयर करता है, तो बैक बॉन्डिंग। तो BF3 में फ्लोरीन से बोरन को ये एक बैक बॉन्डिंग हुआ, पी पाई, पी का मतलब फ्रॉम पी ऑर्बिटल टू पी ऑर्बिटल, और इसका नेचर क्या होगा, पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये पी पाई बैक बॉन्डिंग से बोरन को इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, और जब बोरन को इलेक्ट्रॉन मिल गया तो फिर कहा है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, फिर किस बात का लेविस से, तो हम कह सकते हैं
पी पाई बैक बॉन्डिंग कॉम्पनसेट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कॉम्पनसेट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी एट बोरन हेंस डिक्रीजेस लेविस एसिड स्ट्रेंथ, क्योंकि लेविस एसिड स्ट्रेंथ तो इस बात पर डिपेंड करता है कि डेफिशिएंसी है कितना। तो यहां तो अब डेफिशिएंसी रहा ही नहीं, फ्लोरीन ने दे ही दिया इलेक्ट्रॉन बाय बैक बॉन्डिंग। तो इमीडिएटली क्वेश्चन उठा कि अगर ये BF3 में है तो ये BCl3 में भी होना चाहिए, क्योंकि क्लोरीन के पास भी तीन लोन पेयर है। अरे है या नहीं? जैसा फ्लोरीन वैसा क्लोरीन। यहां भी बोरन के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है और क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में लोन पेयर है जैसे फ्लोरीन के पास था। बस फर्क सिर्फ इतना है कि बोरन का ये ऑर्बिटल अब भी 2p है लेकिन क्लोरीन का ये 3p है। बोलो है या नहीं? क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 होता है, तो क्लोरीन का वैलेंस शेल थर्ड ऑर्बिट है। और इसलिए यहाँ पे जो पी पाई बैक बॉन्डिंग होगा ये 3p से 2p में होगा। बैक बॉन्डिंग हो या किसी भी तरह का बॉन्डिंग हो, बॉन्डिंग मीन्स ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, इफेक्टिव ओवरलैपिंग अकर्स बिटवीन ऑर्बिटल्स ऑफ लाइक एनर्जीज। सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग ज्यादा इफेक्टिव होता है। एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज एन। एन पे डिपेंड करता है। तो क्या कहना है आपको? यहां पे देखो BF3 में बोरन पे वो ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसकी एन की वैल्यू 2 है, जहां से जा रहा है उसकी एन की वैल्यू 2 है, यही तो होता है एन। जबकि फ्लोरीन BCl3 में यहां पे एन की वैल्यू 2 है लेकिन यहां पे एन की वैल्यू 3 है। पूरा पिक्चर क्लियर है? BF3 में बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी क्योंकि BF3 में सेम ऑर्बिटल के बीच में शेयरिंग हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रहा है सेम एनर्जी के ऑर्बिटल के बीच में।
तो कहेंगे फ्लोरीन ज़्यादा इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन देगा बोरन को, और जब ज़्यादा इफेक्टिवली दे देगा तो बोरन पे डेफिशिएंसी नहीं रह जाएगा, और जब डेफिशिएंसी नहीं रह जाएगा तो लेविस एसिड स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, जबकि BCl3 में उतना इफेक्टिव नहीं है ये, इट इज नॉट वेरी इफेक्टिव। यानी क्लोरीन नहीं देगा लोन पेयर उतना इफेक्टिवली, नहीं देगा तो बोरन भूखा ही रह जाएगा, बोरन के पास डेफिशिएंसी रह जाएगी, डेफिशिएंसी रह जाएगी तो लुईस एसिड जैसा बिहेव करेगा। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है मैंने क्या कहा? इसको जरा लिख देते हैं दो लाइन में फाइनल। ड्यू टू ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग, ड्यू टू ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग इन BF3, ड्यू टू ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग इन BF3 देन इन BCl3, देर इज देर इज लेस डेफिशिएंसी एट बोरन इन BF3। BF3 में एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग ज्यादा है तो डेफिशिएंसी कम है, मिल गया उसको, लेस डेफिशिएंसी एट बोरन इन BF3, हेंस इट इज वीकर लुईस एसिड देन BCl3। अगर ये समझ गए तो अब अगर क्लोरीन के जगह पे ब्रोमीन लाओगे तो एन इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, और कम होगा बैक बॉन्डिंग। अब बैक बॉन्डिंग कम होने का मतलब लुईस एसिड और ज़्यादा होगा, लुईस एसिड स्ट्रेंथ और ज़्यादा होगा, और Bi3 में तो बैक बॉन्डिंग होगा ही नहीं, बैक बॉन्डिंग अगर नहीं होगा तो बोरन खाली रह जाएगा, और इसलिए लुईस एसिड स्ट्रेंथ मैक्सिमम हो जाएगा। समझ गए सभी लोग? तो बोरन हैलाइड में ऑर्डर ऑफ लुईस एसिड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? BF3 वीकेस्ट लुईस एसिड हो जाएगा, देन BCl3, उससे भी स्ट्रॉन्ग BR3 हो जाएगा, और स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा Bi3, जबकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के आधार पे उल्टा होना चाहिए था। यही समझना है इसमें कि स्ट्रॉन्गर लुईस एसिड कौन है, कैसे हुआ। ये बात समझ में आया सबको? पक्का? जल्दी से बोलो। तो लुईस एसिड स्ट्रेंथ कैसे कॉम्पेयर हुआ ये मालूम चला सबको? अब इसके आधार पे कुछ और क्वेश्चन बच्चे आंसर होते हैं, जरा देखो। ये जो बैक बॉन्डिंग हमने दिखाया ये भी एक तरह का रेजोनेंस प्रॉपर्टी है, डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। BF, F, F, हम कह रहे हैं कि यहां से लोन पेयर इसे मिल गया, बोरन को मिल गया, तो सभी फ्लोरीन तो एक ही जैसा है, तो ये हम नहीं कह सकते कौन फ्लोरीन दे रहा है, तो कभी इसने दिया, कभी इसने दिया, और कभी नीचे वाले ने दिया।
कहीं से हो सकता है। इससे हो क्या रहा है? इसे देखो, इस बॉन्ड में हम कहते हैं इस बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। अब इसे क्या क्वेश्चन होगा जरा देखो, बोरन बोरन फ्लोराइड, बोरन फ्लोराइड को जब हम NaF के साथ ट्रीट करते हैं तो एक सॉल्ट बनता है NaBF4। ध्यान से देखना, इसको बोलते हैं सोडियम टेट्रा फ्लोरोबोरेट, सोडियम टेट्रा फ्लोरोबोरेट, जिसके अंदर दो आयन हैं, सोडियम आयन एंड टेट्रा फ्लोरोबोरेट आयन। अगर आपसे मैं पूछूं कि टेट्रा फ्लोरोबोरेट आयन का शेप एंड स्ट्रक्चर क्या होगा, तो आप कैसे VACPR थ्योरी अप्लाई करेंगे? कहेंगे BF3 में F माइनस को जोड़ दो। अब BF3 क्या होता है ये तो मालूम है, बोरन के वैलेंस शेल के तीन इलेक्ट्रॉन तीन फ्लोरिन शेयर कर लेता तो बन जाता BF3। और F माइनस के वैलेंस शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो क्या रास्ता बचा? डेटी बॉन्ड। तो ये हो गया BF4 माइनस, F, B, F, F, F और ऐसे दिखा देंगे माइनस। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि BF4 माइनस में बोरन पे इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है, क्या आंसर होगा आपका? अरे बाबा, 4, 1, 2, 3, 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3, और ये टेट्राहेड्रल हो गया आयन, वो अभी पॉइंट हमारा नहीं है। अब ये बताओ कि इस बोरन के अराउंड टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8 हो गए। अरे चार बॉन्ड है तो 8 हो गया ना। हर बॉन्ड में दो दो इलेक्ट्रॉन, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अराउंड बोरन। अब अगर बोरन के अराउंड 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो ही गया तो क्या ये लिविस एसिड रहा? नहीं रहा ना? नहीं नहीं सर। अब कहाँ लिविस एसिड रहा? अब तो पूरा ही हो गया इसका ऑक्टेट। हाँ सर। सो BF4 माइनस इज नॉट ए लिविस एसिड, सबसे पहले। देयरफॉर बोझ कर रहा मैं, रुको यार, रुको रुको एक सेकंड, एवरी डे एक बार कट जाता है बीच में। देखो स्क्रीन आया, अरे स्क्रीन आया yes, सबके सामने ना? यस सर आया सर। हाँ तो यहाँ पे हम yes, sir, आया। कि इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हो गया, वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 8 हो गया। सो ये नॉट अ लिविस एसिड रह गया, ये लिविस एसिड अब नहीं है। अब ये बताओ कि BF4 माइनस में कोई बैक बॉन्डिंग हो सकता है? पी पाई बैक बॉन्डिंग नहीं। अब क्यों होगा? बोरन का तो ऑक्टेट पूरा है। अरे है या नहीं? जब ऑक्टेट ऑक्टेट जब पूरा ही हो गया तो बैक बॉन्डिंग क्यों होगा? सर बैक बॉन्डिंग तो BF3 में होता है ना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, यहां पे होता है बैक बॉन्डिंग क्योंकि बोरन पे डेफिशिएंसी है, इसमें नहीं होगा। नो बैक बॉन्डिंग पॉसिबल।
अब जब बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है तो ये बताओ कि इसका इस बॉन्ड को कैसे डिस्क्राइब करोगे? प्योर सिंगल बॉन्ड विथ बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू वन कहोगे कि नहीं? जबकि यहां पे अभी अभी हमने लिखा था कि ये हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, है कि नहीं? इट हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो फाइनली अब हम क्या कंक्लूड करें? डबल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड से स्ट्रांग होता है, तो क्या हम कह सकते हैं कि BF3 जब BF4 माइनस बनाता है तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होता है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होता है? बाबा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो गया तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज नहीं हुआ। अब बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है। अगर बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हुआ तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। तो यहां से हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि व्हेन BF3 क्या हो रहा है आज, बार बार स्क्रीन ही बंद हो जा रहा है, रुको। फिर वही प्यार क्या अटक गया। चलो आपने तो लिख ही रखा होगा। तो यहां पे क्या हम कह सकते हैं कि व्हेन BF3 चेंज टू BF4 माइनस, व्हेन BF3 चेंज टू BF4 माइनस, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेज एंड बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। ये तो हो गई एक बात। अब नेक्स्ट आ जाओ लुइस बेस। लुइस एसिड का उल्टा है लुइस बेस। लुइस एसिड जो लोन पेयर लेता है, लुइस बेस जो लोन पेयर देता है। तो लोन पेयर वही देगा जिसके पास लोन पेयर खाली होगा। मॉलिक्यूल और आयन, मॉलिक्यूल और आयन विच डोनेट ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अ लुइस एसिड, किसे देगा? लुइस एसिड को, इज नोन एज लुइस बेस। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। अमोनिया मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग अब सभी लोग समझते हैं। अमोनिया में नाइट्रोजन के वैलेंस सेल के 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 हाइड्रोजन से बॉन्डेड है। और 2 नॉन बॉन्डेड है। ऑक्टेट पूरा है सबका है ना? नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, हाइड्रोजन का भी हीलियम कॉन्फ़िगरेशन आ गया।
लेकिन इन सब के बाद नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में एक लोन पेयर रह गया है। सर वो एल ए मतलब लेविस एसिड है क्या? हाँ, लेविस एसिड। तो अमोनिया मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है और देयरफॉर इट एक्ट एज ए लेविस बेस। लेविस बेस किसको कहते हैं? जिसके पास एक लोन पेयर हो जो डोनेट कर सकता हो लेविस एसिड को। कैसे करेगा देखना। अब सामने एक रखो लेविस एसिड, लेविस एसिड बोरन फ्लोराइड, देख रहे हो? इसके पास कमी है, डेफिशिएंसी है, और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। तो क्या होगा, इन दोनों को मिलाओगे तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर शेयर कर लेगा बोरन के साथ, एंड देयरफॉर अमोनिया एक्टिंग एज ए लेविस एसिड एंड दिस वन इज एक्टिंग एज ए लेविस बेस, दिस वन इज एक्टिंग एज ए लेविस एसिड। समझ में आई बात आपको? तो लेविस बेस जिसके पास लोन पेयर हो जो कि किसी लेविस एसिड को दे सकता हो, जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको दिखाया है अभी अमोनिया का, और एक एग्जांपल हम ले सकते हैं वाटर। वाटर में ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों साइड से हाइड्रोजन शेयर कर लेता है। दो लोन पेयर रह जाता ऑक्सीजन के पास, और ये किसी भी लेविस एसिड को दे सकता है। बेरिलियम क्लोराइड, इसके पास तो दो दो लोन पेयर की डेफिशिएंसी है या नहीं, और इसलिए वाटर अपना लोन पेयर इसे डोनेट कर सकता है, और देयरफॉर वाटर इज एक्टिंग एज ए लेविस बेस एंड BCl2 इज एक्टिंग एज ए लेविस एसिड। तो सबसे पहले तो लेविस बेस क्या होता है हमने जाना। अब आ जाओ स्ट्रेंथ ऑफ लेविस बेस। लेविस बेस स्ट्रेंथ, लेविस बेस स्ट्रेंथ, लेविस बेस जो लोन पेयर देता है तो जो आसानी से देगा वो स्ट्रॉन्ग लेविस बेस होगा। एबिलिटी टू डोनेट लोन पेयर डिटरमिन द लेविस बेस स्ट्रेंथ। एबिलिटी टू डोनेट लोन पेयर डिटरमिन द लेविस बेस स्ट्रेंथ। ग्रेटर द एबिलिटी टू डोनेट लोन पेयर, स्ट्रॉन्गर द लेविस बेस। अब देखो इसमें दो पॉइंट याद रखना है। अमोनिया में नाइट्रोजन पे लोन पेयर है तो ये लेविस बेस है, वाटर में ऑक्सीजन पे लोन पेयर है ये भी लेविस बेस है। अगर हम HF ले लें तो इसमें फ्लोरीन पे तीन तीन लोन पेयर है, ये भी लेविस बेस की तरह एक्ट करेगा, लेकिन नंबर ऑफ लोन पेयर देख के लेविस बेस का स्ट्रेंथ नहीं तय होगा। नंबर ऑफ लोन पेयर ज्यादा होने से स्ट्रांग लेविस बेस नहीं होगा। डोनर एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखनी है पीरियड में, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी उसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की एबिलिटी ज्यादा होगी तो डोनेट करने की कम होगी। समझा आपने? फ्लोरीन की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की नहीं लेने की है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, और इसलिए इसमें लेविस बेस का स्ट्रेंथ
का ऑर्डर ये हो जाएगा। क्या पॉइंट है? इफ डोनर एटम्स आर फ्रॉम द सेम पीरियड, फ्रॉम द सेम पीरियड, ग्रेटर द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ग्रेटर द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ डोनर एटम, वीकर द लिविस बेस, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा तो उसका एबिलिटी अपने पास रखने का होगा इलेक्ट्रॉन, न कि देने का। लेकिन याद रहे कि ये बात सेम पीरियड में अप्लाई होगा। अब आ जाओ एक लास्ट पॉइंट इसमें, अमोनिया एंड फॉस्फीन, ये दोनों लिविस बेस हैं और नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों एक ही ग्रुप से हैं। ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का क्राइटेरिया देख लें तो फॉस्फिन होना चाहिए स्ट्रॉन्गर लिविस बेस, लेकिन नहीं, अमोनिया लिविस बेस स्ट्रॉन्गर है। NH3 इज स्ट्रॉन्गर लिविस बेस देन PH3। तो ग्रुप में देखना है साइज, जैसे जैसे डोनर एटम का साइज बड़ा होते जाता है तो वो लोन पेयर बड़े एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब बड़े एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो फोकस नहीं रह जाता, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाता और उसकी डोनेटिंग एबिलिटी कम हो जाती है। इन ए ग्रुप लार्जर द साइज ऑफ डोनर एटम, डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन फॉस्फोरस, डोनर एटम वीकर द लुइस बेस, लुइस बेस वीकर हो जाएंगे ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट डोनर एटम। समझ गया ना? तो ये सब बातें थी लिविस एसिड बेस में, और इस तरह से वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी विच इज अबाउट 50% ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग इज टुडे कंप्लीटेड। इट्स अ वेरी बिग थिंग एंड नाउ यू नो एवरीथिंग ऑफ VSEPR थ्योरी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल आपकी टेस्ट नहीं है, थोड़ा मैंने पोस्टपोन किया है, कल मैं नांदेड़ आ रहा हूँ तो कल मैं ट्रैवलिंग में रहूँगा, टेस्ट पेपर में बना नहीं पाऊँगा। तो अगले वीक में तैयारी रखो अपना, वेडनेसडे या थर्सडे को मैं आपका टेस्ट करा दूंगा, वो मैं आपको मंडे को बता दूंगा, वेडनेसडे या थर्सडे को मैं आके वहाँ कराता हूँ।